भारत सरकार और ट्विटर के बीच का जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटने के मामले में भी ट्विटर का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा। ऐसे में कल संसद में ट्विटर के प्रतिनिधियों से बातचीत में भारत सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भारत का कानून सबसे ऊपर है, उसे मानना ही पड़ेगा। ट्विटर के खिलाफ गाजियाबाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया। बुजुर्ग के साथ मारपीट के सिलसिले में हुई एफआईआर में ट्विटर का भी नाम है। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा और जांच में शामिल होने को कहा। विभिन्न शिकायतें साइबर सेल में रिगार्डिंग ट्विटर प्राप्त हुई थी, उन ट्विटर रिलेटेड मामलों में हमने उन्हें मेल की थी, अभी तक अभी उसमें किसी का जवाब नहीं मिला है। परसों उन लोगों के द्वारा एक नई मेल आईडी प्रोवाइड कराई गई है, जिससे कहा गया है कि इस पे आपको मेल करने से आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा करीब। लेकिन ट्विटर तो ये मान कर बैठा है कि उसे भारत सरकार का कानून नहीं मानना है, शायद इसीलिए भारत सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी वो नए आईटी नियमों के तहत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर रहा है। ट्विटर की दादागिरी समझाने के लिए आपको पिछले एक साल का एक आंकड़ा दिखाते हैं। अलग अलग मामलों को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने फेसबुक और ट्विटर सहित दूसरे सोशल मीडिया साइट्स को कई मेल भेजे। फेसबुक को 255 मेल भेजे गए, 177 का जवाब आया। इंस्टाग्राम को 62 मेल भेजे गए, जवाब 41 का आया। व्हाट्सएप को 98 मेल भेजे गए, जवाब 28 का आया। जबकि ट्विटर को 26 मेल भेजे गए, जवाब 1 का भी नहीं आया। विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स को जो भी भेजे गए तो उनकी एक टाइम लिमिट है, विद इन टाइम लिमिट वो अक्सर जवाब दे देते हैं, जैसे कुछ की 45 से 60 दिनों की है, कुछ की 60 से 90 दिनों तक की है, तो हमें अक्सर जवाब मिल जाया करते हैं। और लगातार चूंकि मामले आते हैं तो लगातार मेल की जाती है, इसलिए कुछ इस समय शेष भी है और जो जल्द ही उनके द्वारा दी हो जाए। ट्विटर की इस दादागिरी को लेकर ही शुक्रवार को ट्विटर अधिकारियों की पेशी संसद की आईटी कमेटी के सामने हुई। आपको बता दें कि भारत में ट्विटर को मिली लीगल प्रोटेक्शन हटा ली गई है, इसलिए अब ट्विटर पर किसी ने भी कुछ भी भारतीय कानूनों के मुताबिक आपत्तिजनक लिखा तो उसके लिए ट्विटर को ही जिम्मेदार माना जाएगा। ट्विटर के अधिकारियों को संसदीय समिति ने बता दिया कि भारत का कानून ही सर्वोपरि है, उसे मानना ही होगा। सूत्रों के मुताबिक संसदीय समिति ने बैठक में आए ट्विटर के अधिकारियों से पूछा कि आप भारत के कानून को मानते हैं या फिर खुद को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। इस पर ट्विटर की तरफ से यह जवाब दिया गया कि हमारे लिए हमारी नीतियां ही महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ट्विटर का यह भी कहना था कि ट्विटर इस समिति के साथ सामंजस्य में लोगों के ऑनलाइन अधिकारों की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति की आजादी को ध्यान में रखते हुए काम करने को तैयार है, लेकिन नए आईटी कानूनों के मुताबिक कब तक वो तीनों अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली से आशीष सिंह और गाजियाबाद से विपिन तोमर के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।